हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज एक मोस्ट यूज़फुल आइटम का रिव्यू होने जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसका कंफर्टेबल होना और ट्रैवलिंग में तो ये चीज़ मस्ट हो जाती है कि हम जब भी कहीं जाएं तो हमारे आउटफिट्स भी बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए, हमारी स्लीपर्स भी। और इस समय ऐसा सीज़न चल रहा है कि ज़्यादातर लोग घूमने बाहर जा ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों की वेकेशंस हो चुकी हैं, सभी लोग फ्री हो चुके हैं अपनी स्टडीज़ वगैरह से। तो इस समय जो गर्मियों का सीज़न होता है, तो ये छुट्टियां बिताने हम घूमने ज़रूर जाते हैं। तो हमारा फुटवेयर ऐसा होना चाहिए कि हर जगह वो सूटेबल हो और हमारे पैरों को आराम भी दे, क्योंकि कभी कभी तो हम लोग सारा दिन घूमते हैं, तो वो हर जगह के हिसाब से हमारे लिए बढ़िया होनी चाहिए और ख़ूबसूरत भी दिखनी चाहिए। तो आज हम इसी तरह की एक फुटवेयर का रिव्यू करने जा रहे हैं। देखिए, ये बाटा से है और बाटा के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इंडिया बाटा का फ़ैन है। ये बाटा की फ्लिप फ्लॉप स्लीपर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। आप एक सिंपल स्लीपर और फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो फ्लिप फ्लॉप होती हैं, थोड़ी सी उसमें स्टाइल होती है और वो थोड़ी मोटी होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब थोड़ा हील होता है, जिससे कि हमारा आउटडोर में चलने में हमें दिक्कत ना हो, और जो हमारी रोड होती है उससे थोड़े हमारे पैर ऊँचे रहते हैं तो गंदे वगैरह कम होते हैं। तो इसका कलर आप देख सकते हैं कि ये कॉफ़ी कलर में है, और इस तरह इसका थोड़ा ग्लिटरी साइज में डिज़ाइन दी हुई है, जो कि पैरों में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और देखिए, ये यहाँ पर भी इसका बाटा मेंशन है और इस साइड भी मेंशन है और नीचे भी यहाँ पर मेंशन है बाटा इसका, ये देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये 4 नंबर है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही लीजिए। और ये जो नंबर 4 होता है, ये यूके जो साइज़ होता है, ये उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो मैं आपको वीडियो की लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आप अपने साइज़ को कैसे देख सकते हैं, मतलब आप अपने ट्रू साइज़ को कैसे पहचान सकते हैं कि यही मेरा ट्रू साइज़ है। ये आप देख सकते हैं बाटा, और इसमें देख सकते हैं कि नंबर 4 है, और इसकी MRP देखिए 699 है। बट ये बहुत ही लाइट वेट है, वाटर प्रूफ है। आप इसको पानी में जाइए, आप इसको ड्राई प्लेस में जाइए, आप इसको ऊँचे नीचे में भी पहनिए, मतलब आप ये किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, और आगे आने वाली बारिशों में भी ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि बारिशों में हमारी इतनी अच्छी अच्छी जो स्लीपर्स होती हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं बारिश के पानी से। मगर इस स्लीपर में ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगी। इसमें 2 कलर्स और हैं, और मैंने इसको स्टोर से परचेज़ किया है, बट ये आपको ऑनलाइन अमेजोन में भी मिल जाएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। बट ऑनलाइन आपको कैसे परचेज़ करना है और आपका साइज़ क्या होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आप जब भी स्टोर में जाते हैं तो आप पहन कर और हाथों में ले करके देख सकते हैं कि ये कैसी है, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है इसका वेट वगैरह, कि ये लाइट वेट है कि नहीं है। तो आप जब ऑनलाइन परचेज करने के लिए किसी भी आप ऐप में जाएंगे, तो वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन उसका लिखा होता है, तो उसमें वेट देते हैं कि कितना ये हल्का है नहीं है, और उसके साथ ही साथ साइड में एक साइज़ चार्ट भी देते हैं। तो मैं वो वीडियो की लास्ट में साइज़ चार्ट आपको लगा दूँगी, बट मैं आपको उसको देखने का तरीका बता देती हूँ। बाटा में वैसे 3 साइज़ चार्ट निकलते हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा कि एक मेंस के लिए होता है, एक वुमेंस के लिए होता है और एक किड्स के लिए होता है। तो मैं आपको वुमेंस का चार्ट लगा कर दूँगी इस लास्ट में वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, उसको
अपने साइज को सिलेक्ट करने का तरीका समझ लीजिए। जब साइज चार्ट आप खोलेंगे तो आपको एक रो दिखेगी सेंटीमीटर की, दूसरी रो आपको दिखेगी इंचेस की, और तीसरी रो आपको दिखेगी यूके साइज की। तो आप जब भी साइज चार्ट में जाएं तो आप पहले अपनी जो पैर होता है उसको आप नाप लीजिए। तो आप उसको कैसे नापेंगे पहले आप ये समझ लीजिए। तो आप अपना इंची टेप लाइए घर में, जो भी आपके पास इंची टेप हो, तो आप उसको यहाँ से, आप उसको पीछे से ऐसे रखिए, इंची टेप यहाँ से रखिए और यहाँ तक आप उसको बिल्कुल नापिए। जितना भी सेंटीमीटर आपका आता है, ये एड़ी में आप मिडिल में देखिएगा और टो के पास आप यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल यहाँ इस जगह पर। तो आप यहाँ पर ला करके आप इंची टेप से नाप लीजिए, जितने सेंटीमीटर या इंचेस आपको दिखा रहा हो तो आप साइज चार्ट में उसी रो में जाइए कि इंचेस और सेंटीमीटर किस जगह पर दिखा रहा है, उसके जस्ट सामने जो यूके नंबर आपका लिखा होगा तो आप ये समझ लीजिए वही आपका साइज़ है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको परचेज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको रिटर्न करने में या करने में साइज की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप ऑनलाइन इजली अपने सैंडल्स को परचेज़ कर सकती हैं। क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन स्लीपर्स इसलिए नहीं परचेज़ करते हैं कि मेरा साइज़ सही होगा कि नहीं सही होगा, कैसी होगी। तो आप इसको परचेज़ करने के पहले आप इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए कि किस मटेरियल से है, कितना वज़न है और क्या साइज़ है। जब आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको फुटवेयर परचेज़ करने में मेरी वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।